कल मैंने जो है वो एवोल्यूशन वाला पास्टुलेट जो सेकंड है उसको स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, उसमें हमने एंड के ऊपर जो है वो एक स्टेट जो है उसको राइट डाउन किया था जो कि क्यूबिट की स्टेट थी। अच्छा, मैंने कल पाली यूनिटी मैट्रिसेस के अंदर पाली मैट्रिसेस जो हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मैंने कहा था हम गेट्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, तो सेकंड एग्जांपल जो है वो इसकी देखते हैं जो कि गेट्स की है। एक और जो यूनिटी ऑपरेटर है एन अदर इंटरेस्टिंग यूनिटरी ऑपरेटर, इज द हेड मॉड गेट। इसको हेड मॉड गेट का नाम जो है वो देते हैं और वी डिनोट इट बाय एच और इसको एच से डिनोट करते हैं। अब इसका जो एक्शन है, दिस हैज एक्शन, इसका एक्शन क्या है कि ये जब एक्ट करता है एच जीरो स्टेट के ऊपर, तो हमारे पास जो है जीरो स्टेट पर जब ये एक्ट करता है तो आ जाता है जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, और जब ये एक्ट करता है वन के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो माइनस वन अंडर रूट टू। ठीक है, ये इसका एक्शन है और इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एज, तो इसको अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एच वन ओवर टू अंडर रूट वन 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 माइनस वन। अब इसी से रिलेटेड आगे जो है वो ये एक्सरसाइज है, एक 2.51 है, इसमें वो कह रहा है कि वेरीफाई करें कि जो हम डेड गेट है ये वाला ये यूनिटरी है। ठीक है, कि एच जो है वो इज़ यूनिटरी, ये प्रूव करें। 2.52 है, वेरीफाई करें कि एच जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर के स्क्वायर के बराबर है, और 2.53 है कि व्हाट आर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ एच। एच यूनिटरी के लिए क्या करेंगे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, वो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया, इसके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफार्म लगाएं, अगर वो यूनिटरी ट्रांसफार्म के बाद यूनिटरी ही निकल आए तो इसका मतलब है कि एच क्या है, यूनिटरी है।
एच आई स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है। एच को जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है उसका दो दफ़ा स्क्वेयर ले, अगर उस स्क्वेयर निकलने के बाद इस एच के बराबर आ जाए तो फिर वो इसको वेरीफाई कर रहा है। दूसरे में है कि बट आर आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर ऑफ एच, आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर जो है किसी टू बाई टू के मैट्रिक्स के मैंने आपको निकलवाए हुए हैं। अगर आप क्वांटम वन के अंदर थे या क्वांटम टू के अंदर मैंने कैलकुलेट क्यों है, आपने क्या करना है यही वाला मैट्रिक्स यूज करना है। ये वन टू बाई टू का मैट्रिक्स है ना, इस टू बाई टू के मैट्रिक्स को लेके आपने उसके आइगन वैक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आइगन वैल्यूज का क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आई, वो सेकुलर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू जीरो, वहाँ से आइगन वैल्यू निकला, ठीक है। और फिर उसी तरह आइगन वैक्टर्स आप उसके उस आइगन हर आइगन वैल्यू के कारस्पॉन्डिंग जो है वो आइगन वैक्टर्स निकल आते। ये मैं हल मैंने आपको वो सॉल्वर भी भेजा था, शायद उसके अंदर भी सॉल्व हुआ होगा ये, ठीक है। अच्छा अब अच्छा ये एक्सरसाइज है। अब ये दो मेन जो है वो यूनिटी ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब ये जो पास्टुलेट टू है, जो एवोल्यूशन का पास्टुलेट है, ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। मैंने शुरू में जब इसको लिखा था तो मैंने क्या लिखा था कि सिस्टम क्लोज्ड है। सिस्टम क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि उस पर एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो पास्टुलेट टू टू रिक्वायर्स, पास्टुलेट टू जो है उसको ये रिक्वायर है दैट दैट द सिस्टम बीइंग डिस्क्राइब्ड बी क्लोज्ड टू बी क्लोज्ड, जो सिस्टम आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है, वो क्लोज्ड है, उसके ऊपर एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये किसी और सिस्टम के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा। जब क्लोज है, मिसाल के तौर पर इंट्रैक्शन किससे हो सकती है, लाइट से हो सकती है एटम की, तो अगर लाइट एटम इंट्रैक्शन हो रही है तो फिर क्या क्लोज सिस्टम है, नो दैट इज नॉट द क्लोज सिस्टम। इसका मतलब है किसी और सिस्टम के साथ ये इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसकी कोई इंट्रैक्शन जो है वो नहीं हो रही। इट मीन्स दैट इट इज नॉट इंट्रैक्टिंग विद एनी अदर सिस्टम। तो इसका मतलब है कि ये किसी और सिस्टम के साथ इंट्रैक्ट जो है वो नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने सिस्टम्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन रियलिटी ऑल सिस्टम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जितने सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन सिस्टम्स की बात करते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, तो ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटेड सिस्टम्स होते हैं। रियलिटी में तो आप कोई भी सिस्टम जो लेंगे वो इंटरेक्ट करेगा, रियल सिस्टम है। ये क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया। अप्रॉक्सीमेशन क्या लगा दिया कि ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब ये है कि ये नहीं इंटरेक्ट कर रहा किसी और सिस्टम के साथ। आइडियल सिचुएशन आप इसको क्या है, वैसे तो हर सिस्टम जो होता है वो किसी ना गैस जो इनक्लोज होती है सिलेंडर में, उसको भी तो हम कहते हैं ना कि दैट इज़ अ
क्लोज सिस्टम, लेकिन जब उसके ऊपर पिस्टन के साथ उसको दबाते हैं या वो एक्सपेंड करती है, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाती है, तो हम कहते हैं कि अब ये क्लोज सिस्टम नहीं रहा, इस पर सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो रियलिटी में कोई भी सिस्टम जो है वो क्लोज नहीं होता, उसके ऊपर कोई ना कोई इंट्रैक्शन आ रही होती है। हाँ, हम जब सिस्टम को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कोई कंडीशन लगा के, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक क्लोज सिस्टम है। अब ये जो क्लोजनेस है इसकी, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं तो ये क्लोजनेस जो है इसको यूनिटरी एवोल्यूशन के ज़रिए डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, किसके ज़रिए? यूनिटरी एवोल्यूशन के ज़रिए इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो द क्लोज्ड सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय यूनिटरी एवोल्यूशन। तो क्लोज सिस्टम जो है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं किससे? यूनिटरी एवोल्यूशन से, टू सम गुड अप्रॉक्सीमेशन, टू सम गुड अप्रॉक्सीमेशन। एज बीइंग क्लोज्ड, अब जो हमारे पास हर प्रिंसिपल जो है जो ओपन सिस्टम को डिस्क्राइब करता है एज ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, वो अंडरगो जाता है किसके अंदर? यूनिटरी एवोल्यूशन। यानी कि हर जो आपका जिस सिस्टम को आप ये कह रहे हैं कि वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो उस सिस्टम ने किस में जाना है? यूनिटरी एवोल्यूशन के अंदर उसने जाना है, उसने यूनिटरी एवोल्यूशन जो है वो करना है। तो फर्दर मोर एट लीस्ट इन प्रिंसिपल एवरी ओपन सिस्टम, कि हर जो ओपन सिस्टम है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर क्लोज्ड सिस्टम। मीन यूनिवर्स, लार्जर क्लोज सिस्टम कौन सा है? यूनिवर्स। अब पूरी यूनिवर्स की क्या है बार, उसको पता है किसी को? सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा? क्लोज यूनिवर्स। हमें नहीं पता यूनिवर्स के बाहर क्या है, किस चीज से कोई इंट्रैक्शन जो है वो आपकी हो रही है। Which is undergoing unitary evolution, जो कि unitary evolution से पास हो रहा है। तो हर ओपन सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब होता है एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर क्लोज सिस्टम, और वो लार्जर क्लोज सिस्टम कौन सा है? सारे सिस्टम किसके अंदर है? इस यूनिवर्स, कायनात के अंदर ही है। अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर
आप कह सकते हैं कि कोई इस यूनिवर्स के अलावा कोई और यूनिवर्स भी है। मल्टीवर्स का नाम सुना हुआ है कि एक कायनात नहीं है, ये भी है एक्चुअली, तो और बहुत सारी इसके अलावा कायनातें हैं। ठीक है, तो अगर मल्टी यूनिवर्स है तो फिर हो सकता है किसी और यूनिवर्स से इसकी इंट्रैक्शन हो जाए, अगर ये प्रूव हो, लेकिन वो एक थ्योरी है, दैट इज़ नॉट प्रूव। तो इसलिए हमारे लिए लार्जर सिस्टम कौन सा है, यूनिवर्स हमारे लिए लार्जर जो है वो सिस्टम, और वो किससे गुजर रहा है, यूनिटरी एवोल्यूशन, उसका एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जब से कायनात बनी है एवोल्यूशन जारी है। बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बनी, उसके बाद से टाइम आगे की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है, तो यूनिटरी एवोल्यूशन जो है वो जारी है। तो ये सारे सिस्टम किसके अंदर आ जाते हैं, ये यूनिटरी एवोल्यूशन में आ जाते हैं। अब हमें कुछ टूल्स जो हैं उनको डिस्क्राइब यूज़ करना पड़ता है, इन सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्लोज नहीं होते। तो यहाँ पर हम जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो देंगे किसकी, ऑफ एवोल्यूशन ऑफ क्लोज सिस्टम्स। यहाँ पर अभी जो हम सिर्फ जिक्र करेंगे किसका, वो एवोल्यूशन ऑफ क्लोज सिस्टम का करेंगे। ओपन सिस्टम को अगर डिस्कस करना है तो फिर उसके लिए कुछ और टूल्स जो हैं उनको लेना पड़ता है। सारी बात है, जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर फिर इंट्रैक्शन आ जाएगी, जब उसमें इंट्रैक्शन आ जाएगी तो फिर वो इंट्रैक्शन की टर्में डालनी पड़ेंगी उसके अंदर, वो सिस्टम फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टू लेवल एटम वैसे ले लो, टू लेवल एटम को लाइट के साथ इंट्रैक्ट कर दो तो टू लेवल एटम वैसे सादा जो है आसान सिस्टम है, क्लोज है, उसकी इंट्रैक्शन करा देंगे तो इसमें कुछ और टर्में आपको ऐड करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक बंदा कहता है टू लेवल एटम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दो, आसान है लिखनी, फिर आपको कहता है कि नहीं टू लेवल एटम को इंट्रैक्ट करवा दो फील्ड के साथ, फिर उसकी लिखो तो क्या करोगे, फील्ड की टर्म बीच में ऐड करोगे, फिर उसकी श्रोडिंगर वेव के। तो आप जितनी इंट्रैक्शंस डालते जाएंगे उतनी टर्में हैमिल्टोनियन के अंदर बढ़ती जाएंगी। कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैलकुलेट होती है, हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, जितनी टर्में जितनी इंट्रैक्शंस आती जाएंगी उतना हैमिल्टोनियन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, उतना सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब पास्टुलेट टू जो है ये डिस्क्राइब करता है हाउ क्वांटम स्टेट्स ऑफ क्लोज सिस्टम डिस्क्राइब्स हाउ क्वांटम स्टेट्स ऑफ ऑफ ए क्लोज सिस्टम एट टू डिफरेंट टाइम्स आर रिलेटेड। किस तरह हम दो डिफरेंट टाइप्स के ऊपर इनको रिलेट कर सकते हैं, तो इसका जो ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है वो ये है कि इस पास्टुलेट को हम डिस्क्राइब करें जो एवोल्यूशन है किसी सिस्टम का, क्लोज सिस्टम का, इन कंटिन्यूअस टाइम के अंदर, यानी कि एक ही टाइम लेके कहें कि वो टाइम जो है वो पास करता हुआ जा रहा है। तो जो मोर रिफाइंड पास्टुलेट है उससे आप, यानी कि इस अजम्पशन से आप मज़ीद इसको रिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम ये अजम्पशन लेकर पास्टुलेट को दोबारा से डिफाइन करें तो जो ऑपरेटर एच जो है, जो आपका अपीयर होता है इसके अंदर, जो आपका हेड मार्ड ऑपरेटर उसमें, उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने दो ऑपरेटर्स यूज़ किए थे ना, एक आपने यूनिटरी ऑपरेटर यूज़ किया था, दूसरे के बाद कौन सा किया है, हैमार्ड वाला गेट जो है वो वाला ऑपरेटर यूज़ किया। तो वो ऑपरेटर क्या करता है, वो रिफाइन कर देता है, है पास्टुलेट टू ही है, लेकिन उस पास्टुलेट टू को
रिफ़ाइन कर देता है, मज़ीद उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर देता है। तो अ मोर रिफाइंड वर्जन, तो जो ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है आपके पास ऑफ दिस पास्टुलेट, इस सेकंड पास्टुलेट का, कैन बी गिवन विच डिस्क्राइब्स, जो के डिस्क्राइब करता है द एवोल्यूशन ऑफ ए क्वांटम स्टेट, द एवोल्यूशन ऑफ ए क्वांटम स्टेट या क्वांटम सिस्टम सिस्टम कॉन्टीन्यूसली या कॉन्टीन्यूस टाइम में। इन कॉन्टीन्यूस टाइम, तो ये उसका ज़्यादा रिफाइंड वर्जन जो है वो हो जाएगा। पहले तो आपने क्या किया, दो टाइम्स को रिलेट किया, टी वन और टी टू को, और वो दो टाइम्स किससे रिलेट किए, यूनिटरी ऑपरेटर से। अब इसको कंटिन्यूस टाइम के अंदर लेके जाना है, तो इसी मोर रिफाइंड पास्टुलेट से हम रिकवर करेंगे पास्टुलेट टू। तो इसी पास्टुलेट को रिवाइज करने से पहले हमें जो है वो दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये है कि द ऑपरेटर एच, पहली चीज़ ये है कि ऑपरेटर एच अपीयरिंग इन appearing as head mod gate या head mod operator के तौर पर ये appear हो रहा है। which we introduced above in, उसको इक्वेशन ए कह रहे, जहाँ पर मैंने एच की वैल्यू लिखी थी, इक्वेशन ए, तो जहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है ना एच का, उसको कह देंगे इक्वेशन ए। अच्छा, एक तो ये है और दूसरा ये है कि ये पास्टुलेट जो है इसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। सेकंड, द फॉलोइंग पास्टुलेट, इस पास्टुलेट की मदद से मेक यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि जब आप इसको पास्टुलेट को रिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो हेड मॉड गेट जो है जो कि एक यूनिटरी ऑपरेटर है उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और दूसरे नंबर पर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल फॉर्म में ही उसको लिखा जाता है। अच्छा, अब ये जो पास्टुलेट टू है, आप इसको जब रिफाइन हमने कर दिया है, इसको कहते हैं पास्टुलेट
टू प्राइम रिफाइंड। अब ये रिफाइन हो, अब इसको हमें जरा देखना है इन दो चीजों को इंक्लूड करके। तो जो टाइम एवोल्यूशन होता है ऑफ द स्टेट ऑफ द क्लोज सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप डिस्क्राइब करते हैं। द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द क्लोज सिस्टम, तो जो टाइम एवोल्यूशन होता है आपके पास क्लोज सिस्टम का इज डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते हैं? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू एच ऑफ साई। ये इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर बी है। इस इक्वेशन के अंदर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है और आपको पता है कि 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड के बराबर है। तो इन प्रैक्टिस जो हमारे पास फैक्टर एच है ये अब्जॉर्ब हो जाता है हैमिल्टोनियन के अंदर और हम इसको सेट कर देते हैं एच वन के बराबर। और एच जो है ये एक फिक्स्ड हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये एक फिक्स्ड हर्मिशियन ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। और ये साई जो है ये स्टेट वेक्टर है, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज स्टेट साई ऑफ द सिस्टम। तो इन इक्वेशन बी द एच इज ए प्लांक कांस्टेंट एंड एच इज फिक्स्ड हर्मिशियन ऑपरेटर नोन एज द हैमिल्टोनियन ऑफ द क्लोज सिस्टम, और इसको हम हैमिल्टोनियन जो है क्लोज सिस्टम का कहते हैं। तो अब अगर हमें किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन का पता हो तो हम उस सिस्टम की जो डायनामिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिस्टम की डायनामिक्स क्या होती हैं कि कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं और उनकी वजह से क्या मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। न्यूटन के लॉज होते हैं ना, न्यूटन के लॉज किसको डिस्क्राइब करते हैं? सेकंड लॉ, डायनामिक्स को ही डिस्क्राइब करता है। तो ये हैमिल्टोनियन जो है इससे क्वांटम सिस्टम की डायनामिक्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है इसकी मदद से। तो इफ वी नो द एच यानी कि हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, अगर हमें सिस्टम के हैमिल्टोनियन का पता है साथ एच की वैल्यू का भी पता है तो वी अंडरस्टैंड इट्स डायनामिक्स। तो हम फिर इसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते कंप्लीटली मुकम्मल तौर।
अच्छा, हमारी जब ये हम हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, तो जब आप क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर आप हैमिल्टोनियन जो है उसको डिस्कस करें, ठीक है? क्योंकि हम क्वांटम इंफॉर्मेशन में हैमिल्टोनियन की जगह ज़्यादा जो है वो, या क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट स्टेट्स का जिक्र जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर अगर हैमिल्टोनियन का जिक्र करेंगे भी तो इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में इस हैमिल्टोनियन को लिखेंगे। अच्छा, अब हमें ये पता है कि बिकॉज एच जो है हैमिल्टोनियन जो है इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, और इट हैज स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन, और इसकी जो स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन है उसको हम लिख सकते हैं एच ई ई और ई, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन है। इस इक्वेशन को नाम आप दे दें, पीछे बी दिया है, इसको कैपिटल सी का नाम दे दें। यहाँ पर ई जो है वो आइगन वैल्यूज हैं, ये जो है विद ई आइगन वैल्यूज, ई जो है वो आइगन वैल्यूज हैं एंड ई जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर ई जो है ये एक्चुअली किसको रेफर करती है, एनर्जी आइगन स्टेट्स को। ई जो है बेसिकली वो रेफर करती है एनर्जी आइगन स्टेट। The states E, ये जो states E हैं are referred to energy eigen states, इनको हम कहते हैं कि ये energy eigen states हैं, are sometimes स्टेशनरी स्टेट्स, या बाद दफा इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स का नाम देते हैं। एंड ई इज द एनर्जी ऑफ स्टेट ई, और ई जो है वो एनर्जी है स्टेट ई की। अब जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। द लोवेस्ट एनर्जी इज नोन एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी का नाम जो है वो देते हैं फॉर द सिस्टम। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन स्टेट्स होती हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग
एनर्जी आइगन स्टेट्स, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन स्टेट्स होती हैं इज नोन एज, या एनर्जी आइगन स्टेट्स और ब्रैकेट में डालें आप आर आइगन स्पेस। यहाँ जो आइगन स्पेस है इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम जो है वो देते हैं। अब हम बाद दफ़ा जो है इनको स्टेशनरी स्टेट्स का नाम देते हैं। मैंने ऊपर ये लिखा है कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। तो क्यों हम इनको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं? इनको हम इसलिए स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं कि इनके अंदर जो टाइम के अंदर चेंज आती है वो अक्वायर करती है ओवरऑल न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी कि वो चेंज सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर से आ रही होती है। तो इस वजह से हम, आप न्यूमेरिकल फैक्टर से आ रही है तो वो चेंज जो है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये है कि जो स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। तो द रीज़न द स्टेट्स ई, ये जो स्टेट्स ई हैं आर समटाइम्स नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स, इनको समटाइम्स जो है वो हम स्टेशनरी स्टेट्स का नाम जो है वो देते हैं, इज बिकॉज देयर ओनली चेंज, इनकी जो सिर्फ चेंज है इन टाइम इज टू अक्वायर एंड ओवरऑल न्यूमेरिकल फैक्टर। ओवरऑल जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ई है इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट और साथ इसको इक्वेशन कैपिटल डी का नाम दे। ठीक है जी, अब अभी भी ये पास्टुलेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें आगे सिस्टम की एग्जांपल लूँगा और यहाँ पर मैं किस सिस्टम को देखूँगा? क्यूबिट का हैमिल्टोनियन जो है वो लूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने क्यूबिट जो है उसको यूज़ करना।